धनबाद में सिटी एसपी के नेतृत्व में धनबाद मंडल कारा में छापेमारी की गई। इस दौरान एसडीएम सहित कई सैकड़ों पुलिस के जवान मौजूद रहे। वहीं छापेमारी के बाद जेल से बाहर निकलते ही मीडिया को बताया गया कि ये रूटीन छापेमारी की गई थी। धनबाद सिटी एसपी आर राम कुमार के नेतृत्व में धनबाद मंडल कारा में छापा पुलिस ने दिन के लगभग 12:30 बजे छापेमारी की। छापेमारी में एडीएम विधि व्यवस्था चंदन कुमार, एसडीएम सुरेंद्र कुमार समेत सैकड़ों पुलिस के पदाधिकारी और जवानों के साथ धनबाद मंडल कारा में छापेमारी हुई। हालांकि नीरज हत्याकांड से जुड़े शूटरों को दूसरे जेल में शिफ्ट करने के लिए निकाले जाने के तुरंत बाद हुई छापेमारी की वजह से तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे। वही छापेमारी के बाद जेल से बाहर निकलते ही मीडिया को बताया कि रूटीन छापेमारी की गई थी, जिससे 10,000 रुपए नगद, कुछ तंबाकू और गांजे की 2 पुड़ियां जब्त हुई है। जब्त किए गए सामानों की सूची बनाई जा रही है। आपको बता दें कि पर्ची में लिखी हुई कई मोबाइल नंबर भी बरामद हुआ है। जेल के सीसीटीवी फुटेज की भी जाँच हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे एचबीएन न्यूज।